अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं इस बात के लिए कि हमल के लिए, ना हमल की दवाई लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और उसमें जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा है कि उनमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके ना हमल तो होते हैं लेकिन मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि हमल बार बार ज़ाया हो रहे होते हैं। उसकी जो मेन और बड़ी बड़ी वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है, सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते लेकिन जो आम वजूहात मैंने देखी है ना, उसमें मैंने देखा है कि उनके हस्बैंड सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, निस्वार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सिगरेट, निस्वार, पान, छालिया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अब ये करती क्या हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो DNA होता है ना, यानी कि मर्द के जरासीम का जो DNA होता है, उसमें तोड़ फोड़ करते हैं, यानी कि उसकी DNA फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। उससे जो जरासीम होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। सबसे पहले तो हमल होने में ही जो है ना, वो मुश्किल होना शुरू हो जाती है। एक तो हमल मुश्किल से होता है, अगर वो हो जाए तो वो इतना मज़बूत हमल नहीं होता, वो कमज़ोर हमल ठहरता है, जिससे फिर बच्चे बार बार ज़ाया होते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चे बार बार ज़ाया होते हैं, आपको पता है कि ये माँ के लिए और बाप के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की एक वजह बनती है। मैंने अपने पेशेंट्स को, मैं बुलाती भी हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ। अभी मैं परसों भी एक पेशेंट था, उसके मैंने हस्बैंड को बुला के उसकी काउंसलिंग की कि वो बहुत ज़्यादा नस्वार का इस्तेमाल करता था। मैंने कहा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और मैंने फिर ये देखा तो मैंने कहा इसकी वीडियो बननी चाहिए, कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये जो है ठीक नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो ये कह रही हैं कि नस्वार और ये चीज़ें खाने वालों के बच्चे जो हैं वो बार बार ज़ाया होते हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अब देखें, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हर बंदे पे तो अफेक्ट नहीं करती ना। अब एक बीमारी है जो कि सिगरेट की वजह से, सिगरेट एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर की। अब देखिए, हर बंदे को तो कैंसर नहीं ना हो सकता। अगर 1000 बंदा सिगरेट पीता है उसमें से 10 को होगा, इसी तरह अगर 1000 बंदे जो हैं वो सिगरेट पीते हैं उसमें से 100 के लिहाज से बच्चे जो हैं, 100 के हिसाब से जो लोग हैं उनके जो हैं वो बच्चे बार बार ज़ाया होंगे। हर बंदे को तो नहीं हो सकते ना, लेकिन ये होता है क्योंकि ये जरासीम को कमज़ोर करते हैं, उनकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं, यानी कि उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो क्वालिटी है, उसको ख़राब करते हैं, जरासीम कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है शुगर। मेरे पास मेरी OPD में एक पेशेंट आई थी, अब मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से आई थी, उसके 7 बच्चे ज़ाया हो रहे थे, 7 बच्चे ज़ाया हो गए हैं। मैंने जब उसका टेस्ट वगैरह करवाया तो उसकी शुगर इतनी अनकंट्रोल्ड थी, HbA1c का लेवल जो था ना उसका, वो 13 तक पहुंचा हुआ था। अब जो उस पेशेंट को मैंने कहा कि आप अपनी शुगर का ख्याल रखें, शुगर का वो ख्याल, उसके हस्बैंड कहते हैं ये अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखती, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शुगर बहुत बड़ी वजह है, एक तो वो हमल को बार बार ज़ाया करने की वजह बनती है, दूसरा अगर इससे बच्चे शुगर कंट्रोल ना हो तो बच्चे जो हैं वो अबनॉर्मल पैदा होते हैं। ये नहीं होता कि बच्चे पैदा ही नहीं होते, बच्चे पैदा होते हैं लेकिन अगर अबनॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर किसी पेशेंट की जो है वो शुगर बिल्कुल ठीक है, HbA1c का लेवल जब वो कंसीव करती है उस टाइम बिल्कुल ठीक है, फोलिक एसिड बाकायदगी से इस्तेमाल करती है, तो ऐसे बच्चों को कुछ नहीं होता। मेरे पास भी एक और पेशेंट आई थी जो कहती है कि हमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने हमल नहीं करना, जब भी हमल होगा आपका अबनॉर्मल होगा, उस पेशेंट को शुगर थी। ऐसे नहीं होता, अगर शुगर जब आपको हमल हो रहा है उस टाइम आपकी शुगर कंट्रोल है तो बच्चे को कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल भी अबनॉर्मल पैदा नहीं होता, उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बस इसमें ये ज़रूरी होता है कि आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये मेरी चंद एक ऐसी चीज़ें थी जो मेरे आपसे डिस्कस करना जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात जो इंतहाई अहम मैंने देखी है, वो भी केस मेरे अपने गांव का है जहां मैं रहती हूं, जहां मैं पैदा हुई, तो वहां से मेरे पास एक पेशेंट आती थी। जब वो पहली दफ़ा मेरे पास आई ना, मतलब उसके पहले भी 2 केस मैंने किए हुए थे, अभी तीसरे केस में जब मेरे पास आई तो मैंने उसका टेस्ट किया, उसको हमल हो गया था, 3 माह का उसका हमल था। 4th महीने जब वो मेरे पास आई ना तो उसकी मैंने टेस्ट करवाया तो उसकी HbA6 थी, खून की कमी भी हमल के बार बार ज़ाया होने की वजह बनती है, उसकी HbA6 थी। मैंने कहा बच्ची की तो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका BP बार बार डाउन हो रहा था, BP बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। जब मैंने उसको मतलब कहा अपनी डाइट बेहतर करो, क्योंकि पहले 3 महीनों में आप इतनी ज़्यादा ड्रिप्स नहीं लगवा सकते खून बनने वाली ना, उससे भी जो है वो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, बच्चे को मसाइल होने के चांसेस होते हैं। मैंने उसे कहा अपनी डाइट बेहतर करो, अपने हालात बेहतर करो, अपने
मतलब कोशिश करो कि ये ठीक हो जाए ना आपकी। मैंने उसे डाइट बताई, लेकिन फिर भी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहता है ना, तो उसका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो उससे क्या होता है कि जैसे माँ का बीपी कम होता है, उसी तरह बच्चे को खुराक कम जाती है, और जब बच्चे को खुराक कम जाती है तो उसकी जो है वो ग्रोथ में कमी आ जाती है और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो इस वजह से आप अपना जो है वो ख्याल ज़रूर रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, खून की कमी ना होने दें। इस मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि हमल के पहले 3 महीनों में जो है वो खून की मकदार 11 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, 11.5 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उस बच्ची की 6 थी और उसका भी मिसकैरेज हो गया। इसलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत आम हैं, जिसको हम नोटिस में लेके ही नहीं आते, तो इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों की तरफ तवज्जा दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत बेहतरीन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश की है। बाकी अल्लाह हाफिज़, इसको देखें, डिस्कस करें और बाकी लोगों के तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।